पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ जिला और महानगर द्वारा लखनऊ के विश्वसराया सभागार में युवा संसद आयोजित की गई। युवा संसद में लोकतंत्र चलाने की सीख देने के लिए पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से नीति नियंताओं ने सीधा संवाद कायम किया। युवा संसद में आए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। युवा संसद में भाजयुमो पदाधिकारी के साथ पंचायत में निर्वाचित युवा पदाधिकारी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, देश हो या फिर दुनिया हो, युवाओं के बिना अधूरा है और युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो युवा टीम है, युवा मोर्चा का चुनाव हो, आंदोलन या फिर अन्य सामाजिक विषयों का मामला हो, उसकी सब में अपनी एक अग्रणी भूमिका होती है। केशव प्रसाद मौर्य ने युवाओं से कहा कि आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। वहीं युवा संसद आयोजित कार्यक्रम में लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली और उन्नाव जिले के युवाओं ने प्रतिभाग किया। लखनऊ में आयोजित युवा संसद में अवध क्षेत्र के 7 संगठनात्मक जिलों के 50-50 पदाधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इतना ही ध्यान में रखें कि युवाओं के बिना चाहे देश हो चाहे दुनिया हो, युवा के बिना सब कुछ अधूरा है। युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारतीय जनता पार्टी की जो युवा शाखा है, युवा मोर्चा है, युवा मोर्चा चाहे चुनाव का मामला हो, चाहे आंदोलन का मामला हो, चाहे किसी अन्य सामाजिक विषयों से जुड़ा हुआ मामला हो, सब में एक अपनी अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। 2019 का लोकसभा चुनाव है और 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बने, माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, यह लड़ाई केवल इस बात की नहीं, यह लड़ाई आने वाली पीढ़ियों के लिए हिंदुस्तान दुनिया में सबसे अग्रणी स्थान पर पहुँचाने की लड़ाई है। और मैं यह देख रहा हूँ जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, उत्साह है, उस उत्साह के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हम 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे गठबंधन करें, चाहे ठगबंधन करें, चाहे कोई लीला करें, लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 73+ सांसद जिता करके मोदी जी की दूसरी पारी देश के हित में, प्रदेश के हित में, युवाओं के हित में, किसानों के हित में, गरीबों के हित में सुनिश्चित है। जन जन के मन में राम है, हर मन में प्रभु श्री राम है। योगी जी का कहना है कोर्ट अगर आदेश करेगा तो अगले 24 घंटे में मंदिर हम बना देंगे, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर सुनवाई को टाल दिया है और कोई तारीख भी नहीं लगी है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें देखिए कहने का कोई विषय नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो पीठ बनी थी और उस पीठ में एक माननीय न्यायाधीश महोदय अस्वस्थ है ऐसा बताया गया है और इसके कारण से सुनवाई टली है। सुनवाई टलने से राम भक्त साधु संत सब कहीं ना कहीं दुखी महसूस कर रहे हैं। सुनवाई जल्दी से जल्दी पूरी हो, फैसला जल्दी से जल्दी आए और जो मंदिर निर्माण करना चाहते उनके लिए सरकार की ओर से पूरा सहयोग। लोकसभा चुनाव से पहले मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने की कोई संभावना है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर या दूसरे एक दूसरे से जुड़ा हुआ विषय नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा के लिए श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनना ही चाहिए और वह बनेगा भी, लेकिन यह चुनाव का मुद्दा नहीं। अखिलेश यादव ने संगम में कल डुबकी लगाई। नहीं, श्री अखिलेश यादव जी डुबकी लगाए और जिन लोगों ने न लगाया वो वह भी आके लगाएं, सबका स्वागत है। और हम लोग यह जरूर देख रहे हैं कि जो मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग आके डुबकी लगावें, चाहे उसमें अखिलेश यादव जी आवें और कोई दूसरे धर्मावलंबी भी आवें, वह भी डुबकी लगावें, हमें उसमें कोई नाराजगी नहीं है, कोई प्रसन्नता नहीं है, हम सबका ऐसे अवसर पर स्वागत करते हैं। लेकिन यह जरूर है, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत के कारण से आज किसी को भगवान के सामने सिर झुकाना पड़ रहा है, किसी को संगम में और गंगा जी में डुबकी लगाना पड़ रहा है। अच्छे यह लक्षण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उस सोच के आगे सब झुक रहे हैं। कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा स्टार चेहरा प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश में उतार दिया है, भारतीय जनता पार्टी कैसे इससे चुनौती का मुकाबला करेगी? प्रियंका गांधी जी कोई भाजपा की नेता नहीं थी, कांग्रेस में चली गई। भाजपा जिस मजबूती से लड़ रही थी उसी मजबूती से लड़ रही है, उसी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का या कांग्रेस के किसी अन्य नेता का भाजपा की विजय यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।